दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार और आप देख रहे हैं पीयू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद गुरप्रीत जी। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को मेरा नमस्कार, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बस इतना ही कहूंगा, गुरप्रीत जी ने तो बहुत तारीफ कर दी, उस तारीफ के लायक नहीं हूं मैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जितना जीवन में कुछ सीखा है आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, आंखों में आंखें मिला के एहसास कराने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी को बेहतर तरीके से बदलते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, एहसास करते कैसे हैं और बाउंस बैक जीवन में कैसे करते हैं। यानी कि हर इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है, सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते। आज भी बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन अपनी जिंदगी में जॉब गंवा के घर में बैठे हैं, पता नहीं कि रास्ते कहां से निकल के आएंगे सामने। इसमें से आप लोगों ने, आप सभी ने, जितने भी रेनेटस की फैमिली में आज के डेट में वर्कआउट कर रहे हैं, घर से करें, बाहर से करें, किसी भी सिचुएशन में कहीं से भी करें, उन लोगों के घर में आपने एक उम्मीद की किरण जगाई है, होप ऑफ बीम जिसे कहते हैं आप, एक ऐसी उम्मीद की किरण जिस उम्मीद की किरण के सहारे हिंदुस्तान के हर घर में बेरोजगारी को आप खत्म कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर घर में एक उम्मीद की किरण आप पैसों का बारिश करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा आज की ट्रेनिंग में, इस लाइव सेशन में हजारों हजार लोग जुड़ने वाले हैं और हजारों हजार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को सदा के लिए परिवर्तित कर लिया है। उसमें से ही एक हमारे गुरप्रीत जी हैं जिनकी जिंदगी को बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, एहसास किया है। बहुत दिन पहले इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। एक वक्त ऐसा हुआ था जब इनकी इनकम 30,000-40,000 रुपए हफ्ते की हुआ करती थी। मुझे लगता था कि 30,000-40,000 रुपए हफ्ते बहुत बड़ा रकम नहीं होता है, कितना ग्रोथ ले पाएंगे ये अपनी जिंदगी में। मेरे अंदर भी वो वाली फीलिंग थी, अहंकार वाली फीलिंग कि कितना एक इंसान कमा सकता है एक प्रोडक्ट के बदौलत। एक प्रोडक्ट में इतनी कौन सी ताकत है, एक प्रोडक्ट से पूरी दुनिया को जीतने का सपना दिखा रहा है एक सरदार। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था, एक सरदार कह रहे हैं कि मैं सब पे असरदार हूं, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आज मेरी इनकम 30,000 की है, लेकिन एक वक्त मैं बदलूंगा, हालात बदलूंगा कि मेरे गुरुदेव, इनका स्टेटमेंट था कि मेरे गुरुदेव गुरतेज सिंह ने रिकॉर्ड बीट कर दिया हिंदुस्तान का, मैं भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और आज इनका कहा हुआ सत्य हुआ। आज ये वही गुरप्रीत साहब हैं जिनकी लगभग लगभग महीने की इनकम 15,00,000 रुपए से ऊपर की है। आप इमेजिन करें, वही सरदार जिसने आज दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि हम सारे सरदार हैं सरदार, अगर हम गुरु के सानिध्य में सारी बातों को सीखते हैं, समझते हैं और एहसास करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग परफेक्ट ट्रेनिंग होने वाली है आपकी। मैं मैक्सिमम लाइव ट्रेनिंग्स करता हूं, जिम की उतनी बेहतरीन हैबिट नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी ज्यादा मूवमेंट करती है। जब मैं स्टेज पे होता हूं, जितने लोगों ने मेरी ट्रेनिंग लाइव सेशन से अटेंड करी है उन्हें पता होगा, क्योंकि मैं लगातार इस तरीके से जूम मीटिंग लेने का आदी नहीं हूं, लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि जितने लोग आए हैं कम से कम 6 महीने के अंदर, ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगा, 6 महीने के अंदर बताए गए रास्तों का अगर आपने अनुपालन किया तो जो भी आपके कामयाब लीडर आज इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग में लगभग 60-70 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2,00,000 रुपए से 60,00,000 रुपए महीने की है। जरा याद रखिएगा साहब, 2,00,000 रुपए हफ्ते से 2,00,000 रुपए के रेंज को उन्होंने क्रॉस किया। हफ्ते में भी कमाते हैं, बहुत सारे लीडर महीने में भी कमाते हैं, जरा एहसास करके देखिए, 60,00,000 रुपए महीने तक के लीडर आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं। और एवरीडे आपके लिए ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है जो सुबह 6:30 बजे होता है। उसमें आपको जानने का मौका मिलता है एक नाकामयाबी के दलदल से कामयाबी के समंदर तक का सफर किस प्रकार लीडर ने तय किया है। बहुत सारे एवरीडे अलग अलग लीडर आपको सुनने को मिलते हैं, एहसास करने को मिलते हैं कि किस तरीके से कर्ज के बोझ तले डूब चुके थे, वो दब चुके थे और रेनेटस ने उनकी जिंदगी को उबार दिया। तो आज वो सारे लीडर भी आज इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस ट्रेनिंग को सुनने और समझने के बाद, लिखने के बाद इमीडिएटली आप अपने आप को तैयार कर लें, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि अब आप उड़ान को तैयार हैं, उड़ने को तैयार हैं, अपनी रफ्तार के लिए तैयार हैं। इस दुनिया की कोई शक्ति आपको मजबूर रहने नहीं दे सकती, अब आप मजबूती की ओर जाने को तैयार हैं। तो बस इतना ही कहूंगा,
2 लाख रुपए महीने तक की भी अगर आपको इनकम 3 महीने 4 महीने के रफ्तार में अगर मिलने की संभावनाएं हैं, तो एक एक बताए गए पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 2 लाख रुपए जो बड़े लीडर्स एवरीडे आके आपको सिखाते हैं 2 लाख रुपए तक आप कैसे पहुंचेंगे, मैं इसकी बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। और आज रेनेटस में 5 पांडव, उन 5 दिग्गजों का भी मैं उल्लेख करूंगा बताते बताते, जिन्होंने इस बुनियाद को रचा, इस बुनियाद पे ही ये इमारत खड़ी है। किस प्रकार एक 30 वर्ष के शख्सियत ने इतिहास रच दिया, एक 30 वर्ष के योद्धा के टीम में लगभग 150 से 200 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए महीने कमाने वाले दिग्गज हैं। 28-28 वर्ष के युवा जिनके अभी रिसेंटली शादी हुई है, उन्होंने इतिहास रच दिया। मैं आपको आज उनके बारे में भी बताऊंगा इस ट्रेनिंग सेशन में। तो आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं हृदय की गहराइयों से एहसास कर पा रहा हूं आप डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जहां भी आप लेट के ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां पे आप बैठ जाएं, बैठ के कागज और कलम की व्यवस्था करें, एक एक पॉइंट लिखने की कोशिश करें। आपको यह नहीं सोचना है कि मैं लाइव ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा, आपको यह सोचना है कि आप लाइव सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं और एक्साइटेड रहे हैं आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ। यही कहूंगा, निगाहों में निगाहें मिला के जैसा मैंने स्टार्ट में बताया। तो अब मैं अपनी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, उन 5 दिग्गजों से भी आपको रूबरू कराऊंगा अपने अंदाज में, एहसास कराऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बदलने का संकल्प लिया था इन 5 दिग्गजों ने। कहते हैं कि संकल्प का पूरे विश्व में कोई विकल्प नहीं होता, एक संकल्प ने पूरी दुनिया को रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। सुना है ना आपने, गांधी जी के बारे में भी सुना था कि उनको बैठने नहीं दिया गया था गोरों की ट्रेन में, उन्होंने उन्हें फेंक दिया था कि काले लोग अलाउड नहीं है। हालात और परिस्थितियों को सदा के लिए उन्होंने बदल दिया, उन्होंने उनको ट्रेन से निकाला था। गांधी जी का एक संकल्प था, उन्होंने अपने देश से निकाल के बाहर फेंक दिया। तो याद रखिए, एक संकल्प अगर आपने भी आज ले लिया कि मुझे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए हफ्ते महीने की इनकम चाहिए रेनेटस से, वो आपको भी मिलेगा और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस अचीवमेंट को प्राप्त करने से, क्योंकि आपके सर पे हर गुरुजन का हाथ है जिनको आप डेली सुनते हैं। एकमात्र कंपनी मैंने देखा जहां पे लोग लाइन लगते हैं, वेटिंग करते हैं हजार हजार की, एक टाइम में 6:30 बजे के सेशन में 2-2 सेशन अरेंज होते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं देख के। 2,000, 2,500, 3,000 लोगों की अर्ली मॉर्निंग, जहां लोग सो रहे होते हैं वहां पर ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे लोग कहते हैं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, वहां पे कहते हैं मुझसे ज्यादा किसी के पास होगा नहीं इस पेंडेमिक में, मैं वो कार्य करके दिखाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है साहब, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है नेक इरादों से, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके ग्रेट अपलाइन की बदौलत, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एजुकेशन की बदौलत, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत, कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप अब तैयार रहें, सीट की पेटी बांध लें, मैं तैयार हूं अब आपको सिखाने के लिए, एहसास कराने के लिए। गेट रेडी। मैं चाहूंगा गुरप्रीत जी आप मुझे होस्ट बनाएं, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। जी सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं और लास्ट में आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। 100% सर, जो आप होस्ट बन चुके हो, वेलकम है आपका सर। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे स्पेशल पावरफुल वेबिनार जूम के माध्यम से होना था, हालात और परिस्थितियों ने कहा कि 1,000 लोग नहीं 2,000 लोग नहीं 3,000 3,000 4,000 5,000 लोग को ये ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए गुरतेज सर ने इसे YouTube पे ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी है, सबको पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीखने को लिमिटेड लोग तैयार होते हैं। लेकिन सारे दिग्गज का एक ही कहना है कि हमारे एक एक लोग कामयाब होने चाहिए, जिन्होंने इस उम्मीदों के साथ रेनेटस का दामन थामा है कि मेरी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, हर इंसान के मुकद्दर को बदलना है, इसी नियत के साथ
6:30 बजे की सेशन और रात के 8 बजे की सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। प्रतिदिन आपको अलग अलग ट्रेनर, अलग अलग लीडर, अलग अलग लोग मिलते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता इस कंपनी में कामयाब होने के लिए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी शानदार है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी नियत कितनी सॉलिड है और आपकी महत्वाकांक्षा कितनी सॉलिड है, दृढ़ संकल्पित होकर आपने कितनी बेहतर तरीके से कार्यों को संपादित करने का प्रयत्न किया है। तो ये आज का सफर है आगाज से अंजाम तक, यह उसी शख्सियत को यह ट्रेनिंग डेडिकेटेड है जो निरंतर प्रयत्नशील है, प्रतिदिन आते हैं ट्रेनिंग में, सीखते हैं, एहसास करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं है, इंप्लीमेंट जो करते हैं उनको ये ट्रेनिंग डेडिकेटेड है, समर्पित है। आज की पेंडेमिक सिचुएशन में, आज की ये वैश्विक महामारी में पूरा हिंदुस्तान झुक चुका है, घुटनों के बल पे है, पूरी दुनिया में इसका माखौल उड़ाया जा रहा है। हर लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों नहीं अलर्ट था, हिंदुस्तान दूसरी लहर के लिए क्यों नहीं अलर्ट था। आज वक्त बीत जाने के बाद लोग पछता रहे हैं कि 4 लाख 5 लाख के करीब केसेस पहुंचने की संभावनाएं हो गई एक दिन में, क्योंकि वक्त के दायरे में रहकर इन्होंने वक्त को मात नहीं दिया हिंदुस्तान वासियों ने। उन्हें लगा कि कोरोना नाम की कोई समस्या नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और खास करके ये बूढ़े लोगों के लिए ये समस्या है, जवानों को तो कुछ होगा ही नहीं। इस दफे कोरोना ने एहसास करा दिया कि 25 से लेकर 40 वालों की भी कहानी थोड़ी प्रॉब्लम में हो रही है। उसी प्रकार मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि जूम के अंदर और खास करके ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जिन्हें लगता है कि हर जगह तालाबंदी हो चुकी है, चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन लग चुका है, बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका है, महाराष्ट्र में लगभग लॉकडाउन लग चुका है, अलग अलग प्रांतों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हिंदुस्तान के तमाम शहरे त्राहीमाम त्राहीमाम करती हुई नजर आ रही है। उसी बीच में ये आपका ऑनलाइन सेशन ब्रह्मास्त्र बनकर आया है उन महत्वाकांक्षी लोगों के लिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना चाहा। क्योंकि पहले की अगर बात करूं कामयाबी की, यही गुरप्रीत जी हैं, यही गुरतेज सर हैं और यही सारे लीडर हैं जो 2 घंटे की ट्रेनिंग के लिए मुमकिन है कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे और 2 घंटे की ट्रेनिंग देकर फिर घर पे वापस आया करते थे, यानी कि 2 घंटे की ट्रेनिंग और पूरा दिन उनका जाया करता था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप बाइक उठाते होंगे और अपने नियरेस्ट इलाके में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी आप तय करते होंगे और एक इंसान से मुलाकात करके आते होंगे और इन्हें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते होंगे। तो जितना वक्त आपका जाने में और आने में लगा करता था, उस वक्त को आप इस जूम वेबिनार के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से बचा ले रहे हैं। तो बचाना कैसे है? अगर आपकी नेटवर्क वीक है तो आपको प्रोसेस करना है गूगल मीट, जो कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग बीच में मैं आग्रह करूंगा लीडर से कि उनके द्वारा कोई एक टेक्निकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी जाए जिसमें गूगल मीट को कैसे एक्सेस करते हैं वो सिखाया जाए और जूम के एप्लीकेशन को कैसे प्रॉपर वे में एक्सेस करते हैं ये आपको सिखाया जाए। क्योंकि आज जो मैं आपका फॉर्मूला बताने वाला हूं यह आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। 3 साल में इतने अचीवर इस कंपनी में हुए, मैं विश्वास दिलाता हूं 3 साल में जितने अचीवर इस कंपनी में हुए और अगर हमारे बताए गए रास्तों का आपने अनुपालन कर लिया तो 180 दिन ओनली 180 डेज 180 दिन 6 महीने का वक्त लगेगा, आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। और जिस रफ्तार को ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से, ऑफलाइन मोड में जिन लीडर्स ने 2 साल में अचीव किया है, उस मकाम को आप सिर्फ 6 महीने में अचीव कर लेंगे इस जूम मीटिंग के माध्यम से। मैं तरीका थोड़ा बताता हूं आपको, एहसास कराता हूं। आप हर इंसान रेनेटस में कामयाब होना चाहते हैं, आपने टीम भी बनाई है, आपको यह बेहतर तरीके से पता है कि बाइनरी प्लस जनरेशन का प्लान है, सॉलिड प्लान है, अनस्टॉपेबल प्लान है,
किसी भी प्रकार किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता, इसे थामा नहीं जा सकता। ऐसा प्लान है। जरूरत नहीं है कि आप कंप्लीटली एक्टिव रहे, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यह भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सॉलिड तरीके से परफॉर्म करते हैं, सॉलिड तरीके से अगर आप मैदान में उतरते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। कैसे? आपके सामने लाइव एग्जांपल है। आप देख रहे हैं कि मिनिमम यू हैव टू कंडक्ट 5 webinar daily for 21 days। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैंने 21 दिनों का उल्लेख क्यों किया। 21 दिन इसलिए क्योंकि आपकी हैबिट को, आदतों को कंप्लीट सेटल होने में 21 दिन का वक्त लगता है। क्योंकि अगर आपने 10 दिन किया तो फिर माइंड चेंज हो सकता है, 15 दिन किया तो फिर कुछ भी अलग जहन में आ सकता है, लेकिन अगर आपने 21 दिनों तक प्रैक्टिस कर लिया तो आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे। इसमें मैंने दिखाया है कि अगर आज आपने रेनेटस की ज्वाइनिंग करी है, जितने भी लीडर हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, आज आपने रेनेटस कंपनी को ज्वाइन किया है, आज के डेट में सिर्फ आपको एक काम करना है कि 5 लोगों से 1-to-1 जिस प्रकार आप किसी के घर जाके मुलाकात करते हैं, जिस प्रकार आप दूरी तय करके लोगों से बात करते हैं, उसी प्रकार 1-to-1 सिर्फ डिजिटली कनेक्ट होकर बात करना है। मेरी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करिए और लिख लीजिए, आपको अपने 5 लोगों से 1-to-1 जूम पे डिजिटली कनेक्ट होकर बात करनी है। अपनी बातों को रखना है कि मैं एक बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर आया हूं जिसके अंदर 9 fruit ingredients हैं, जिनका नाम मैंगोस्टीन, ब्लैक करेंट, मक्का रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रॉसबेरी, सॉर चेरी, गैनोडर्मा ल्यूसीडियम और सिगरू है। बड़े साधारण लहजे में आपने बताया और उनको कहा कि हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, 2 डब्बे से लेकर 40 डब्बे तक में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कोई सेल्समैनशिप नहीं सिखाया जा रहा है, आपको कभी भी डब्बा लेके झोला में उठा के ढोने की जरूरत नहीं है। यहां पे प्योर नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। हम आपको गाइड करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में एहसास कराने जा रहे हैं। पूरी दुनिया बस वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करती है, लेकिन रेनेटस ने 3 सालों में प्रमाणित कर दिया पूरे विश्व को, पूरे इंडिया को, कि हम पेंडेमिक में जरूरत से ज्यादा बाउंस बैक करते हैं। जब पूरी दुनिया आह आह कर रही होती है, उस वक्त हम सिर्फ इनकम की बात करते हैं कि हमारे भाई साहब ने इतना कमाया, हमारे गुरु ने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, हमारे लोगों ने इतना कमाया। हम सिर्फ कामयाबी की गाथा गाते हैं, हम रोते और चिल्लाते नहीं हैं। अपनी भाषा में आपको 5 लोगों को यह बताना है। कैसे आप बताएंगे? मुमकिन है कि आपके पास ऐसा कॉन्टेक्ट लिस्ट हो, 200 लोग 400 लोग 500 लोग 600 लोग, कुछ लोगों के पास 2-2 हजार 3-3 हजार 4-4 हजार लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट है। आपको उसे खंगालना है और बड़े प्यार से, जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, तो आपको अपने लेफ्ट साइड में राम, श्याम, कृष्ण, मोहन और मुरारी, यानी कि 5 अपने फ्रेंड्स को छांट लेना है, निकाल लेना है, अलग कर लेना है कि आपके वो 5 मित्र कौन हैं, आपके 5 साथी कौन हैं जिनको आप ये प्लान आज बताने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपके पास 2200 लोग कॉन्टेक्ट में है तो क्या 5 लोग आपके जानकारी में नहीं होंगे जिन्हें आप बेहतर तरीके से एहसास करा दें, बता दें, समझा दें? डेफिनेटली होंगे। तो राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, मुरारी को बाएं से छांटिए और रहीम, मुश्ताक, जॉन, सोएब और जावेद को राइट से छांटिए। मैं फिर से दोहराता हूं अपने शब्दों को कि आपके जहन में आ जाए, 5 लोग लेफ्ट और 5 लोग राइट, राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, मुरारी, और राइट में रहीम, मुश्ताक, जॉन, सोएब और जावेद। ये काल्पनिक नाम है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी रख सकते हैं जिन्हें आप ये प्लान बताने वाले हैं, जिनकी जिंदगी में पैसों की अहमियत है, जो अपने मुकद्दर को बदलना चाहते हैं, जो जरूरतों की जिंदगी छोड़कर चाहतों की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो मजबूर की श्रेणी से बाहर निकलकर मजबूत बनना चाहते हैं, जो अपने हालात और परिस्थितियों को
अलग करके सही करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, जो हालात और परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनना चाहते, हालात और परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे 5 लेफ्ट और 5 राइट में लोगों को निकालिए। अब आप कहेंगे भाई साहब ऐसा तो कोई है ही नहीं जो इतना ओपन माइंडेड होकर सोचता है। भाई साहब दुनिया में कोई इतना ओपन माइंडेड होकर नहीं सोचता, उसे सोचने को मजबूर करना पड़ता है। उसे रास्ता नहीं दिखता, भूख लगी है, खाना दिखेगा तब तो खाएगा। आपको खाना दिखाना है कि भाई साहब तू भूखा है, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, देख ले रेनेटस में एक प्रोडक्ट पे इसने क्रांति ला दिया पूरे हिंदुस्तान में। एक प्रोडक्ट पे जब तक पूरी दुनिया समझेगी तब तक यहां पे 100 से ज्यादा मल्टी मिलीनियर बन के तैयार है साहब, जरा इमेजिन कर लीजिए, एहसास कर लीजिए। तो इसी प्रकार 5 लेफ्ट और 5 राइट, उन्हें सिर्फ यही सिखाना है, सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग में आपने आना ही आना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर तुझे कामयाब होना है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो तुझे आना ही होगा सुबह 6:30 बजे, क्योंकि वहां पे वो लोग आते हैं जो कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने वाले नहीं आते, जो पहुंच चुके हैं वो आते हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं। और रात को 8 बजे भी वही शख्सियत सिखाते हैं जो कामयाब हो चुके हैं। तो सुबह 6:30 बजे की ट्रेनिंग और रात की 8 बजे की ट्रेनिंग, दुनिया इधर की उधर हो जाए आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपका बैकबोन है। एक शरीर को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपको कामयाब होने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस जूम वेबिनार्स की, जो आपके महान लीडर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जरा सोचे समझे और एहसास करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको खुद भी अटेंड करना है सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग, और अपने उन 5 लोगों के माध्यम से भी अटेंड करवाना है जिन्हें आपने ये प्लान बताया। वो कहेंगे कितने लोग कामयाब हैं, तो आप उन्हें कह सकते हो कि आप आके देख लो और गिन लो 30 दिनों तक लगातार मेरा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके, देख के एहसास करके। 21 दिनों तक फॉलो करना है। अगर आपके वो 5 लोग भी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद 5-5 लोगों को सिर्फ एवरीडे, सिर्फ 5 लोगों को अगर एवरीडे प्लान दिखाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक दिन में 25 लोग आपके लेफ्ट में हो गए और 25 लोग आपके राइट में हो गए। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा साहब, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। 25 लोग बाएं और 25 लोग दाएं। अब आपकी टीम कितने की हो गई? सेल्फ मीटिंग आपकी 5 की हो गई, और दिन भर में टोटल मीटिंग 55। टोटल मीटिंग कितनी हो गई? 55। यानी कि 21 दिनों में, सिर्फ 21 डेज में 1155 लोगों को आप प्लान दे चुके होंगे। जरा इमेजिन करें। अभी आप ढूंढ रहे हैं 2, 4, 8, 10, 16, 32, 64, 128, 224 कैसे बनेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा, रास्ता मैं विचलित हूं, गंभीर समस्याएं हैं, मैं किन्हें बताऊं किन्हें ना बताऊं। लेकिन आपका एक छोटा फैसला आपको 1155 लोगों तक पहुंचा चुका है। आप अपनी अंतरात्मा की गहराइयों से सोच के देखिए, अगर एक जूम सेशन में 1000 से ज्यादा लोग आते हैं, तो क्या आप 5 लोगों को पूरे दिन में खुद की बदौलत नहीं बता सकते? और क्या सेम पैटर्न अपनी टीम को नहीं सिखा सकते, लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में? यकीनन सिखा सकते हैं। अगर इसका 10% भी कन्वर्जन होता है तो जरा इमेजिन करें, और इसका 30% भी कन्वर्जन होता है तो इसका इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी कहां होगी। आप इमीडिएटली सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर जाएंगे, इमीडिएटली रीजनल तक पहुंच जाएंगे। और रीजनल तक तो आपको पता ही है कि कल आपकी ही ट्रेनिंग में एक 23 साल के बच्चे ने बहुत बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे परिवार वालों ने सोचा भी नहीं था, 1,74,000 रुपए का मेरा चेक रहा। किसी शख्सियत ने आपकी ही ट्रेनिंग में कहा है, और कहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सभी लीडर का, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे। एक लीडर ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए के कर्ज में था, लगभग मैंने अपना कर्ज उतार दिया है रेनेटस की बदौलत, और मेरी जिंदगी सेट हो चुकी है। तो आपको बस यही तो काम करना है साहब, जरूरतों की जिंदगी छोड़नी है, चाहतों की जिंदगी जीनी है। लेकिन जरूरतों की जिंदगी में जो आपने कीमत अदा किया है उसका फल आपको मिल रहा है, तो चाहतों की जिंदगी के लिए जिस कीमत की आवश्यकता है वो मैं आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ 5 मीटिंग एवरी डे। लेकिन एक गौर करने वाली बात है साहब, मैं फिर याद दिलाता हूं आपको, एक गौर करने वाली बात है, 1 time meeting with 1 person should be on Zoom for maximum 21 minutes। एक बार में सिर्फ
एक लोगों से बात करनी है, और बातें कैसे करनी है, इस अंदाज में बात करनी है। मेरी आंखों को देखिए, अगर मेरी तस्वीर आपके सामने जा रही हो इस स्लाइड के अलावा, तो मेरी आंखों में देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बताना है, यकीन दिलाना है कि तेरी जिंदगी परिवर्तित होगी। मैं तेरे साथ खड़ा हूं और मैं तुझसे बात कर रहा हूं इस मीटिंग में, और कोई दूसरा नहीं है। तू जीतेगा, तू जीतेगा। यू आर विनर, यू आर बॉर्न टू विन। तू, तेरा जन्म ही हुआ है जीतने के लिए। आज तक तुझे उन कामयाब लोगों का साथ नहीं मिला, लेकिन मैं जो ट्रेनिंग अटेंड करता हूं डेली सुबह 6:30 बजे और रात को 8 बजे, उसमें सिर्फ कामयाब लोग ही आते हैं। नाकामयाब लोग को तो मंच भी नहीं मिलता इस कंपनी में। ऐसे करके आप बात करिए और सिंपल तरीके से अपने प्लान को आप रखिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप साधारण तरीके से प्लान को रखेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल आपको प्लान का बताता हूं, शॉर्ट में, बिल्कुल साधारण तरीके से। आपके लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी गुरतेज सर का कहना है, जो आप में से बहुत सारे लोगों के मुकद्दर को बदल चुके हैं सदा के लिए, उनका कहना है, जब आप ज्यादा समझदार बनते हैं तो आप ज्यादा नुकसान में जाते हैं। जितना अपनी बातों को सिंपल रखेंगे, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ अपनी बातों को आप रखेंगे, कामयाबी का परसेंटेज उतना ही हाई होगा। एग्जाम्पल, आप मैंगोस्टीन बता रहे हैं तो आप साधारण भाषा में बता सकते हैं कि भाई साहब, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है कि सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, आज की डेट में एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और सिंपल तरीके से ओबेसिटी में भी काम करता है। साइबेरियन जिनसंग, एल्डरबेरी, रॉसबेरी की कॉम्पोजिशंस को आप साधारण भाषा में समझा सकते हैं, जिन भाषा में आपको समझ में आता है। कोई टेक्निकल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि बीटा सेल डेड हो गया है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, इसलिए ये आपका रीजेनरेटिंग बोर्ड में नहीं ला पाता। मार्केट की जितनी भी दवाइयां हैं वो सिर्फ केयर करती हैं, रेनेटस सिर्फ क्योर करता है, सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल की है, इसमें भी फायदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर पाया जाता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि आज के डेट में आप सिर्फ साधारण भोजन करते हैं, जो कि आज के खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा जहर के समान हो चुके हैं। आप देखते होंगे, एहसास करते होंगे। आज हम आपको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जिसमें सही प्रोटीन की भी मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, एंजाइम भी है। जिन वजहों से कैंसर होता है, उन वजहों को खत्म करने वाले भी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सिंपलिसिटी में भी लोग आपकी बातों को सुनेंगे। और प्लान बताते वक्त आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि जहां बहुत सारी कंपनियों में हर महीने का टारगेट होता है, जहां बहुत सारी कंपनियों में आपको 8,000 की खरीदारी करना मैंडेटरी होता है, 40,000 की खरीदारी करना मैंडेटरी होता है, 50,000 की खरीदारी करना मैंडेटरी होता है, वहां पे इस कंपनी ने आपको टीम से कमीशन लेने के लिए 1 रुपए की भी खरीदारी मैंडेटरी नहीं रखी है। इस कंपनी में जरूरत नहीं है कि आप 30,000 से आओगे तभी आप स्टार्ट कर पाओगे, 10,000 से आओगे तभी आप स्टार्ट कर पाओगे। आप 2,700 रुपए से भी अगर प्रारंभ करते हो तो पहले दिन से ही आप कमाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये है हमारी रेनेटस, ये है हमारी रेनेटस की ताकत। आप ऐसे भी करके अपनी बातों को साधारणतः रख सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा, यकीन मानिए, बहुत मजा आएगा। यानी कि आपको खुद में आत्मतृप्ति महसूस होगी, ऐसा एहसास होगा कि जिंदगी को मैं जरूरतों की तरह से नहीं, अब चाहतों की तरह से जीना प्रारंभ कर चुका हूं। और जिस दिन आपके 5 लोग मिलने प्रारंभ हो गए, और आपकी टीम को भी आपके 5 लोग मिलने प्रारंभ हो गए, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी जुनून के साथ आपने देना प्रारंभ कर दिया, और सुबह 6:30 की ट्रेनिंग और रात की 8 की ट्रेनिंग अटेंड करवाना प्रारंभ कर दिया, तो आप मेरी आवाज को कहीं रिकॉर्ड कर लें। ऐसे भी ये यूट्यूब पे डेफिनेटली ये वीडियो होगी मेरी, जो आप हमेशा देख सकते हैं। आप इसे लिख के रख लें कि आने वाले 2 महीने के बाद आपकी इनकम 50,000 से नीचे नहीं रहने वाली। आप अपना पीठ थपथपा सकते हैं, आप जहां भी बैठे हो। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। अब सवाल सबसे बड़ा होता है कि भाई साहब, बात तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी करी, पॉइंट भी आपने बड़े अच्छे अच्छे बताए, मैं लीड लाऊं कहां से? मैं वो भी रास्ता आपको बता देता हूं, बड़ा आसानी से बता देता हूं। आपने 256 लोगों का ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट मैसेज ग्रुप बना रखा है, यकीनन बना रखा है आपने। अब बात मैं करूंगा 3 ग्रुप डिजाइन करने, और बिल्कुल साधारण तरीके से 3 ग्रुप डिजाइन करना है। डिजाइन क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है।
इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं, इसमें से ही बहुत पे प्रमोशन करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग अलग सोर्सेस से भी करवाते हैं, मैं ये जान रहा हूं। आपको करना यही है कि जहां से भी आपके पास क्लाइंट आए या आपके मोबाइल में, अगर आज आपने पहली बार शुरुआत किया है तो अगर आपके मोबाइल में 100, 200, 500, 1000, 2000 कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो उसमें से आप कॉन्टेक्ट को पहले कागज पे उतार लें। सिंपल तरीका है लिस्ट बनाने का। दुनिया की सारी कंपनियां और दुनिया का जो सबसे बेस्ट सिद्धांत कहता है, यही कहता है कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बना के अपनी पूरी कॉन्सेप्ट को झोंक दीजिए कि उन्हें परोसना कैसे है। खाना बनाने का तरीका पहले जानिए और उसको बनाना कब है ये जानिए और उसको परोसना कब है ये जानिए। तो जब आपने पूरा अपना लिख लिया कि मेरे 2000 कॉन्टेक्ट्स हैं, उसका नाम आपने अपनी डायरी में लिख लिया, थोड़ा मेहनत पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको ये करना है। अब इसके बाद ये देखना है कि अगर मैंने राम श्याम कृष्ण मोहन मुराड़ी का लिस्ट बनाया है, रहीम मुश्ताक जॉन सोएब जावेद का लिस्ट बनाया है, तो जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन में कैसे लोगों को डालना है, मैं ये थोड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपने राम को और रहीम को दोनों को एक बार में प्लान बताया कि भाई साहब आप मुझे 15 मिनट का टाइम दो, आप आ जाओ, मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूं, आप मेरे साथ 2 मिनट का वक्त बिताओ, मैं कुछ आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं जिसने बहुतों की जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। आपकी माँ को डायबिटीज है, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट आपकी माँ को सहायता कर जाए। आपके पिताजी को बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा प्रोडक्ट हो सकता है कि सिगरू की मदद से आपके बीपी, आपके पिताजी की बीपी की समस्या को दूर कर दे। आपने इनवाइट किया राम और रहीम को, तो राम और रहीम साहब ने बस इतना ही कहा, ओ जी ऋषिकेश देख लो भाई, आपके कहने पे मैं आ जा रहा हूं क्योंकि आपकी बातों पे मुझे पूरा भरोसा है। और कोई कह रहा होता ना तो मैं कभी नहीं आता, लेकिन मैं पक्का आऊंगा। कितने बजे आना है बस मुझे ये बता, बिजी हूं जरूर लेकिन मैं पक्का आऊंगा। ऐसे लोग, राम रहीम टाइप के लोग आपके ग्रुप वन की कैटेगरी में ब्रॉडकास्ट में होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 256 लोगों का ही आपका ब्रॉडकास्ट बनेगा, आप इसे बना सकते हैं आने वाला क्लाइंट। अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो ये कन्वर्ट होने वाला क्लाइंट, आने वाला क्लाइंट, ज्वाइन होने की संभावना वाला क्लाइंट, मतलब ये हॉट क्लाइंट लिस्ट में आएगा, मतलब एकदम लोहा गर्मा गर्म है, ठोक दीजिए काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसने पहली दफे में आपका बात सुना है, ये हॉट क्लाइंट लिस्ट में जाएगा। अब जो आता है सेकंड ग्रुप में, ये वर्म क्लाइंट लिस्ट आपको बनानी है। यानी कि मान लीजिए कि श्याम है, मुश्ताक है और कृष्ण है और जॉन है, आपने इन लोगों को बताया कि भाई साहब मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने 3 साल में 100 से ज्यादा करोड़पति बना दिए। मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स ने रेवोल्यूशन ला दिया है। मैं एक ऐसे फ्रूट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें 9 फलों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है कि एक प्रोडक्ट पे भी इतिहास रचा जा सकता है। तो आपके श्याम साहब, आपकी बात तो सही है बट आई डोंट हैव टाइम, आई एम अनेबल टू कम क्योंकि मेरे ऑफिस वर्क है, मैं बहुत बिजी हूं, चाहे वो आईपीएल ही क्यों ना देख रहा हूं, अब तो खत्म हो गया आईपीएल, चाहे वो सास बहु वाली पहली सीरियल ही क्यों ना देख रहा हूं घर में, लेकिन वो बोलेगा कि मैं बहुत बिजी हूं। ऐसे लोगों को आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लेना, ये वार्म क्लाइंट में होते हैं, यानी कि हालत खराब जरूर होती है लेकिन बताएंगे नहीं, हालत फटी हुई जरूर होती है लेकिन दिखाएंगे नहीं। इस कैटेगरी के बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़े योद्धा मिलेंगे इस प्रकार के, इनको आप वार्म क्लाइंट की लिस्ट बनाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। यानी कि पहला वो जो एक बार बुलावे पर आपकी बातों को नहीं टाल रहा, यानी कि उसकी कन्वर्जन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, लेकिन दूसरे वाले भाई साहब थोड़े नखड़े दिखा रहे हैं। तो जो भाई साहब नखड़े दिखा रहे हैं उनको नखड़े वाली श्रेणी में रखेंगे, यानी कि ना वो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, वार्म लिस्ट में बनाएंगे उनको। आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, जिस भाषा में आपको आता हो ऐसा लिखना है कि खुद में आप आनंदित हो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज में आपने
ग्रुप का नाम क्या रखा है ये किसी के पास नहीं पहुंचता। तीसरा ग्रुप बनाना है आपको कोल्ड क्लाइंट ग्रुप, यानी कि जैसे ही आपने मुरारी को, सोएब को और जावेद को बताया, उसने बोला कि I am enjoying my every moment of life. I don't have time to invest anywhere, so I won't come, etc. etc. ऐसे करके आपको बोल देगा, बोलेगा कि भाई साहब पहले तू कामयाब हो जा, फिर मुझे तू बताना। कितने कामयाब हुए मैंने भी देखे हैं, आजकल तो चेक तो कोई भी बना देता है, यार तू कौन सी बात कर रहा, ऐसे करके भी लोग बात करेंगे, आपका माखौल उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, ऐसे भी लोग होंगे। ऐसे जनाबों का भी लिस्ट बनाना है। आप कहेंगे तो ये तो सर बेकार है, इनका लिस्ट क्यों बनाना है, जरूरी है, जरूरी है। ये वही लोग होंगे जो आपके 6 महीने के बाद पूछेंगे भाई तूने ऐसा क्या कर लिया। याद है ना गुरतेज सर, जब इन्होंने 2018 में प्रारंभ किया होगा उस वक्त इनके पीछे कारवा नहीं होगा। एक संकल्प के साथ सुमित देवनाथ साहब, टोपास विश्वास जी, सुब्रत दत्ता जी, विकास श्रीवास्तव जी और गुरतेज सिंह जी निकले होंगे मैदान में। ये 5 लोग जब मैदान में निकले होंगे तो अकेले निकले थे, इनके पीछे करोड़ों का चेक नहीं था, लोग नहीं थे, नजारे नहीं थे कि दिखाने के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स नहीं हुआ करते थे, दिखाने के लिए हजारों टेस्टिमोनियल्स नहीं हुआ करती थी। इनके पास अगर कुछ था तो इनका दृढ़ संकल्प था, इनके साथ अगर कुछ था तो क्लियर विजन था, इनके साथ अगर कुछ था तो मैं अकेला ही चलूंगा लेकिन मंजिल को प्राप्त कर लूंगा, ये इनके पास आत्मविश्वास था, ये चले। उन लोगों को इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिन्होंने कहा था अरे भाई तू पहले यहां कामयाब हो जा फिर मुझे बताना, ऐसे लोगों को भी इन्होंने चुन के रखा था। और जैसे ही वक्त और हालात परिवर्तित हुए, नजारे बदले, 1 साल से 2 साल का वक्त बीता, इन्होंने खुद कुछ नहीं बताया, पूरी दुनिया ने बताना प्रारंभ कर दिया कि अब गुरतेज सिंह जी की इनकम 6 लाख रुपए हफ्ते की है, अब गुरतेज सिंह जी की इनकम 10 लाख रुपए हफ्ते की है, अब गुरतेज सिंह जी की चमक पूरे हिंदुस्तान में है, अब गुरतेज सिंह जी की चमक पूरी दुनिया में होने वाली है। जब दुनिया को चमक प्रारंभ हुई, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार गुरतेज सिंह गुरतेज सर के साथ कारवां जुड़ता गया, उसी प्रकार पूरी दुनिया आपको भी सलाम करेगी जिन्हें एक बार आपने प्लान दिखाया होगा। तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत जरूरी है। आप सबकी लिस्ट तैयार रखें, हॉट, वार्म और कोल्ड ध्यान रखने की जरूरत है। हर जगह की लिस्ट को आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपके पास और भी लिस्ट बनाने के मैं तरीके बता सकता हूं, बहुत लंबा सेशन जाएगा लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट तरीका और बताता हूं आपको। शॉर्टकट तरीका यह है लिस्ट बनाने का कि आपके बहुत सारे अनवांटेड ग्रुप होंगे जिसमें सब्बू वाले के समोसे वाले ग्रुप, माता की चौकी वाली ग्रुप, मोहम्मद रहीम साहब की ग्रुप, बहुत सारी ग्रुप ऐसी होगी जिसके आप सदस्य होंगे लेकिन अपनी इच्छा से आप उसके सदस्य नहीं होंगे। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? आप बहुत सारे अनवांटेड ग्रुप के सदस्य होंगे लेकिन अपनी इच्छा से उनके सदस्य नहीं होंगे। आज एक काम और करने की जरूरत है, आप लोग कागज और कलम पे लिख लीजिए मेरी बातों को, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। जितने भी आपके अनवांटेड ग्रुप हैं उसमें से निकलने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से उनका नंबर लिखना है, उनका नंबर नोट करना है। अगर अगर उस ग्रुप में 50 लोग हैं तो 50 का नंबर लिखना है, 30 लोग हैं तो 30 का नंबर लिखना है, 200 लोग हैं तो 200 का भी नंबर लिखना है। नंबर क्यों लिखना है? क्योंकि उसमें जानने वाले आपके सिर्फ 1 से 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे लेकिन अनजान लोग बहुत होंगे। बस अनजान लोगों को कॉल करना है और बड़े प्यार से पूछना। अगर आपके पास लीड नहीं है तब की मैं बात बोल रहा हूं, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं है करने की। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे पास सर कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं किससे बात करूं, कहां बात करूं, अगर आप रोते रहते हैं दिन भर, मैं उनके लिए ये बता रहा हूं। आप ऐसे ग्रुप्स में कॉल करें और कॉल करके बड़े प्यार से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना है कि सर नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है और मैं आपके माता की चौकी वाले ग्रुप में था सर, तो मैंने सोचा कि एक बार आपका हाल समाचार ले लूं, क्योंकि आज तक आपकी और हमारी बात नहीं हुई है लेकिन किस्मत और कुदरत का करिश्मा ऐसा रहा कि आप और हम एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, तो मैंने सोचा कि अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है क्यों ना मैं एक बार आपका हाल जान लूं।
क्योंकि मैं इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहा हूं सर। मेरे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है जिंदगी जीने के लिए। मैंने सोचा कि सर आपको बता दूं, शायद आपको जरूरत हो, आपको कुछ मिल ना पा रहा हो मार्केट से, शायद मैं आपको ये पहुंचा दूं या पहुंचवा दूं। आप एक बार ऐसे करके लोगों से बात कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब किसी का आप हाल समाचार पूछेंगे ना, किसी की फैमिली के बारे में पूछेंगे ना, किसी के हालात को सही करने के बारे में अगर आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे ना, तो हर इंसान आपको इज्जत ही देगा। कोई आपको भगाएगा नहीं, कोई आपको डांटेगा नहीं। ऐसे करके बहुत सारे कॉन्टेक्ट बन जाएंगे और उन्हें आप कह सकते हैं कि भाई साहब आप ये मेरा नंबर सेव कर लेना, मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। और जैसे ही उसने आपका नंबर सेव कर लिया, उनकी ब्रॉडकास्ट में लिस्टिंग स्टार्ट। हॉट, वार्म, कोल्ड, याद है ना मैंने बताया था, अभी तुरंत बताया था आपको। ऐसे करके बहुत कॉन्टेक्ट बनाए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम कोई भी कर सकता है और मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं ऐसे 15-20 लोगों को जिन्होंने ये किया है। मैंने ही सिखाया था और उन्होंने किया और करने के बाद बहुत सारे लीड कन्वर्जन तक पहुंचे हैं। अब बात करते हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। रेनेटस एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट है। इस कामयाबी के शिखर तक कैसे लोग पहुंचे, किस प्रकार उस सफलता तक लोग पहुंचे, तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं और एहसास कराता हूं। हिंदुस्तान में आप जिनकी टीम से हैं, उन्होंने अकेले चलने का निर्णय लिया था। और मैं अगर आपको उनके बारे में बताऊं, उन्हें किसी ने ज्वाइन नहीं कराया था, उन्होंने अपने अपलाइन को फाइंड करना प्रारंभ किया था अचानक से। फर्क नहीं पड़ा कि अपलाइन उनके कौन रहे क्या रहा, रेनेटस के बारे में पता चला, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया उन्होंने और अपने मेंटर से मिलते चले गए। मैं 5 दिग्गज का नाम लूंगा और 5 दिग्गज के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी टीम से हजारों हजार लोगों की रोजी रोटी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में पे आउट नंबर 85 में 20,000 घरों में जिन्होंने रोजी रोटी की व्यवस्था की, मैं उन 5 लोगों की बात करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम जिनकी टीम से आप सभी आते हैं, जिन्होंने आप सभी के घरों में एक उम्मीद की किरण को जगा दिया है, श्री गुरुतेज सिंह जी, जिन्होंने अकेले चलने का निर्णय लिया था, अपने अपलाइन को फाइंड करके एक दृढ़ संकल्पित होकर कमिटमेंट किया था, सुमित देवनाथ जी के साथ, सुब्रता दत्ता जी के साथ, विकास श्रीवास्तव जी के साथ, कि हम 5 मिलकर इतिहास पढ़ेंगे नहीं, इतिहास रच देंगे पूरे हिंदुस्तान में। और इन 5 लोगों ने स्टार्ट किया कारमा। आप थोड़े हैरान हो जाएंगे कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र, बहुत सारे लोग अगर उनकी उम्र जानेंगे तो थोड़ा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारे लोग आज भी नौकरी ढूंढ रहे। तपस विश्वास जी की अभी रिसेंटली शादी हुई है, लेकिन सुमित देवनाथ जी अभी भी कुंवारे बैठे हैं। जरा इमेजिन करें, लगभग 30-32 की उम्र है इन लोगों की, और 30-32 के हालात और परिस्थितियां इन्होंने ऐसी बदली कि टीम में इतने सारे अचीवर हो गए। इसी टीम में जिन्होंने गुरतेज सर को हाथ पकड़ के सिखाया, गुरतेज जी की एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें इन्होंने बताया था एक रिट्रीट प्रोग्राम में कि 24,00,000 रुपए में महीने के कमाता हूं। उस प्रोग्राम में और उससे बहुत सारे पहले की प्रोग्राम्स में दत्ता सर ने बेहतर तरीके से एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बिल्ड की कि सिर्फ हमें कामयाब नहीं होना है, मिशन हमारा है, सपना हमारा है, लेकिन हमें हर लोगों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हैव अ पावरफुल विजन। किसके पास पावरफुल विजन था? गुरतेज सर के पास अगर पावरफुल विजन नहीं होता तो आप सब और कोई यहां पर आज ये ट्रेनिंग सुन नहीं रहा होता। आज अगर सुमित देवनाथ जी, सुब्रतो दत्ता सर, विकास श्रीवास्तव सर का अगर विजन क्लियर नहीं होता तो आज गुरतेज सर हम लोगों के साथ नहीं होते। आज इतने कामयाब लोग नहीं होते अगर सक्सेसफुल लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं होता ऑर्गेनाइज। तो इन लोगों ने निरंतर मेहनत किया, बहुत
समय तक बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इन्होंने कंडक्ट किए जिसमें दिन दिन भर ये भूखे रह जाते थे, मेहनत करते रहते थे, लगातार ट्रेनिंग देते रहते थे, लगातार ट्रेनिंग देते रहते थे। हालात ऐसे ऐसे भी इनकी ट्रेनिंग में आए होंगे कि आज सुबह से 7-8 ट्रेनिंग इन्होंने दी और 8वीं ट्रेनिंग में भी कोई कह रहा है कि भाई साहब अब मेरी भी जरूरत है और खाना सामने रखा ये खा नहीं पाते होंगे। ऐसे ऐसे हालात से भी आगे निकल कर गए और स्ट्रॉन्ग विजन रखा इन्होंने और ये बता दिया कि अगर हम शिक्षित होते हैं, चाहे हमारी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, अगर हम दृढ़ संकल्पित होकर किसी भी काम को बेहतर करने का कोशिश करते हैं तो ट्रेनिंग हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। ट्रेनिंग के अंदर वो शक्ति है, मैं आज जो आपको बता रहा हूं इसके अंदर वो पावर है कि आप भी सफलता का इतिहास रच सकते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, जिस प्रकार इन 5 दिग्गजों की बदौलत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, ये रेनेटस कंपनी संचालित हुई, इस ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से कनेक्ट किया इन्होंने। कल मेरी बात हो रही थी गुरतेज सर से, बात करने के दरमियान आपको मैं बहुत मजेदार किस्सा बता रहा हूं। बात करने के दरमियान इनसे मैंने बोला कि सर अपने टॉप 20 लीडर्स का लिस्ट मुझे दीजिए क्योंकि मैं उस ट्रेनिंग में उन लीडर्स की बात करूंगा। आप हैरान हो जाएंगे, गुरतेज सर के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। मैं भी हैरान हो गया, भाई साहब मैंने सिर्फ 20 लीडर की बात करी आपसे, आप 20 लीडर की बात पे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहीं 20 लीडर नहीं तो ऐसा तो नहीं है ना कि 20 लीडर आपके पूरे नहीं हो रहे सर? ये और जोर से मुस्कुराने लगे और मुस्कुराहट की वजह जानकर मैं भी मुस्कुराने लगा और आप भी मुस्कुराने लगेंगे। हालात ऐसे हो गए क्योंकि जब इन्होंने लीडर का लिस्ट भेजना स्टार्ट किया, एलाइट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एलाइट, ये रीजनल सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो मैं खुद परेशान हो गया कि लगभग 100 से ज्यादा लिस्ट, नाम किसका लें और किसका नाम छोड़े। मैंने बोला सर सबका नाम लेना संभव नहीं है, आपके चरणों में मेरा नमन। जीवन में पहली ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऋषिकेश पाठक ने देखी जिस कंपनी ने 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3 सालों इतिहास रच दिया, 3 सालों में इतने मिलीनियर पैदा कर दिए, 3 सालों में लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में जो नाकामयाबी का एक रेशियो चला करता था उसको इन्होंने बदल दिया। हर घर में खुशहाली लाने का एक जो एक एक सुनहरा मौका दिया इन्होंने, सबको साकार कर दिया। तो कल मेरे लिए भी यह प्राउड मोमेंट था कि ऐसी कंपनी की मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं, इस कंपनी को मैं बेहतर तरीके से संचालित कर रहा हूं तात्कालिक, जिस कंपनी में रियल में पैसा आता है, दिखाया नहीं जाता। एक इन्हीं की टीम के सदस्य हैं, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, अरोड़ा साहब हैं, मेरी मुलाकात हुई थी। यकीन मानिए इस कंपनी के लीडर अपनी इनकम नहीं बताते हैं, हेजिटेट होते हैं बताने में कि सामने वाला ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ऐसे भी हालात हुए कि अगर आप बताओगे कि मेरी 14 लाख रुपए की पे आउट आई है, भाई साहब आप अगर आज पहली बार आए हो ना तो आप भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। बस उन्होंने बोला कि मैं दिखा रहा हूं, भाई साहब देख लो, बताना मत किसी को। कुछ लीडर ऐसे भी हैं जिनकी इनकम 30 लाख से ज्यादा हफ्ते की आई है लेकिन वो बताएंगे नहीं किसी को। क्यों? कि दिखाना हमें नहीं है भाई, हम डाउन टू अर्थ हैं। और इन्होंने इस कल्चर की शुरुआत करी, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, बहुत मार्केट में मतलब कोहराम नहीं मचाते कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये कर लिया। ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हैं मार्केट में लोग, बहुत सारी कंपनियों के हालात ऐसी है ना कि ईएमआई में गाड़ी खरीदते हैं और ढिंढोरा पिटते हैं, हमने बीएमडब्ल्यू ले लिया, हमने जगुआर ले लिया। लेकिन ये गुरतेज सर ने ये प्रमाणित कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एसेट भी बनाया जाता है, ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। मैं फिर कहता हूं 3 साल में जो इन्होंने कामयाबी को अर्जित किया, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, एक नेटवर्क मार्केटिंग की दृष्टिकोण से साधारण इंसान के लिए। लेकिन इन्होंने ऐसा सक्सेस रचा है कि हर आदमी वहां तक पहुंच सकता है, इतना सरल रखा है। मैंने इनसे पूछा कि आपकी कामयाबी का रहस्य क्या है, इन्होंने बताया कि जितना डाउन टू अर्थ में रहूं और जितना सिंपल रहूं। कोई भी इंसान इनसे मुलाकात करे, कोई भी एनी बड़ी, इनके अंदर अहंकार की 0.1% भी खुशबू नजर नहीं आएगी आपको। कोई भी इंसान उनके साथ सामने बैठ जाए, साथ में बैठकर चाय पिएंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि वो अचीवर है। और इनकी बात तो मैं कर ही रहा हूं, साथ में आपको सुब्रता दत्ता की, दत्ता सर की बात करूं,
आप रिट्रीट प्रोग्राम में जाते होंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते होंगे, आपके साथ में बैठकर अगर खाना भी खा रहे हैं ना, तो आपका एहसास नहीं होगा कि यार इतना बड़ा लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी मेरे साथ बैठा हुआ है, ये वाली फीलिंग होने ही नहीं देते कि हम सब एक हैं, एक फैमिली वाली फीलिंग। ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ी सोच को इन्होंने साकार किया है। अब बताता हूं आगे कि ये लीडरशिप के साथ में आपको और क्या जरूरत है। आपको जानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में अब बताऊंगा, 10 मिनट के अंदर मेरा सेशन कंप्लीट होने जा रहा है। आपको सबसे बेहतर जानना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट की विशेषता क्या है। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, उसमें एक चींटी है। चींटी ने सेब को उठा रखा है, क्या यह मुमकिन था? यह मुमकिन नहीं था। यह कैसे मुमकिन हो पाया? ट्रेनिंग की बदौलत। ट्रेनिंग की बदौलत ही इंसान कुछ भी कर पाता है। ट्रेनिंग की बदौलत ही दुनिया की बड़ी से बड़ी कार्य, बड़े से बड़े कार्यों को साकार किया जाता है। तो ट्रेनिंग में वो कैपेसिटी है। मैं फिर याद दिलाऊं, सुबह 6:30 बजे और रात को 8 बजे ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करनी है। अगर आप लोग ये संकल्प ले ले कि मुझे ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, और जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है, यानी कि डेली कितना प्लान हो रहा है आपका, 55 लोगों का प्लान हो रहा है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप, 55 लोगों को आप डेली प्लान दिखा रहे हैं, और 55 लोगों को अगर आपने एक दिन में प्लान दिखाया अपने ग्रुप के माध्यम से, और उन 55 लोगों को आपने अगर सिर्फ ट्रेनिंग में बुला लिया, तो जरा इमेजिन करें कि 30 दिन में कितने लोगों की संख्या हो गई आपके पास, कितने लोगों को आपने सिर्फ ट्रेनिंग में इन्वाइट कर लिया अपने ग्रुप से। 55 लोग अगर आपकी एक दिन में तैयार होते हैं तो कितने लोगों का है? 1650। जरा इमेजिन करें आप, 1650 लोगों को आप ट्रेनिंग दिलवा चुके होंगे, और 1650 लोग अगर आपके आने लग गए ट्रेनिंग में, और इतने बड़े बड़े लीडर को उन्होंने सुन लिया, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपका ऑटो मोड में चला जाएगा। ऑटो मोड में कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद हुआ खुद होगा। आपने क्या किया? बस जूम तक पहुंचा दिया, सिखा दिया, डिजिटली कनेक्ट कर दिया, और उनका सुबह शाम हाल समाचार लिया आपने। भाई साहब आप कैसे हैं, कोई समस्या तो नहीं, कहीं प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको सिखाऊंगा, अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो मेरे अपलाइन सिखाएंगे, मेरे अपलाइन नहीं समझा पा रहे हैं तो उनके भी अपलाइन सिखाएंगे, लेकिन आपको हम सिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी तरक्की ही हमारा लक्ष्य है। ऐसे करके बड़े प्यार से बताना है। और प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? आप अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्रोडक्ट में है सिगरू है, गेनोडर्मा लुसीडियम है, सॉर चेरी है, रॉसबेरी है, एल्डरबेरी, साइबेरियन जिनसेंग, मक्का रूट, ब्लैक करेंट, मैंगोस्टीन। आपके पास ऐसे ऐसे भी लीडर हैं जो कॉम्पोजिशन बता सकते हैं कि साइबेरियन जिनसेंग और एल्डरबेरी रॉसबेरी जब एक साथ कनेक्ट होता है तो कैसे वो इमीडिएटली किसी भी प्रकार के गोल्ड ब्लैडर के पथरी को भी खत्म करने की ताकत रखता है। कैसे? जैसे ही मैंगोस्टीन, ब्लैक करेंट और सिगरू तीनों जब टकराता है तो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा नाम के कैंसर को भी खत्म करने की ताकत रखता है। कैसे वो बॉडी में एंटीडॉट तैयार करता है, तरीके तरीके बहुत सारी चीजें हैं जो बगैर दवाइयों के, क्योंकि इसका एक भी प्रोडक्ट दवा नहीं है, लेकिन बगैर दवाइयों के भी ये सारी बीमारियों का खात्मा करते हैं, क्योंकि ये बीमारी पे काम नहीं करते, बीमारी की उन वजहों पे काम करते हैं जिन वजहों से वो बीमारियां जन्म ले चुकी हैं। सेल लेवल पे काम करते हैं, एक एक सेल को रिवॉश, एक एक सेल को रीहील, और एक एक सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाने की ताकत होती है इनके प्रोडक्ट के पास। तो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में अटेंड करें, और अगर रात के 8 बजे वाली ट्रेनिंग में और सुबह 6:30 बजे वाली ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो इमीडिएटली अपलाइन को संपर्क करें और उन्हें कहें कि सर आप मुझे 15-20 मिनट की ट्रेनिंग दे दिया करो सर, क्योंकि आप दोगे तभी मैं सीख के अपनी टीम को दे पाऊंगा। तो लगातार ये कल्चर आपको डेवलप करना है, डेली 3-4 घंटा इन्वॉल्व रहना, बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ये बड़ा तगड़ा पॉइंट है साहब, भूलिएगा मत। ये जो तीसरा तरीका बताया गया है, डेडिकेशन टू योर डेली रूटीन, देन क्रिएट ए सिमिलर रूटीन फॉर योर टीम पार्ट टाइम फुल टाइम। यानी कि आपने जो काम किया उसकी एक शेड्यूल बनाए कि मैंने 21 मिनट की ट्रेनिंग ली या नहीं ली, गलती कहां हो रही है, मेहनत में कितना कर रहा हूं, रिजल्ट कितना आ रहा है। मैंने मेहनत जितना किया उतना रिजल्ट आया नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आया उसकी मुझे समीक्षा करनी है, अपने अपलाइन को बताना है सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हो तो उसके अपलाइन को इमीडिएटली बताना है कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मुझे आप सिखाइए या मुझे गाइड करिए, और जो आपने अपने अपलाइन के माध्यम से सीखा एज इट इज अपनी टीम में डुप्लीकेट कर देना है। टाइम इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को अपना डेली का टाइम फिक्स करना होगा कि मुझे जूम मीटिंग कब से कब तक करनी है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेनिंग या मुझे 10 बजे से स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेनिंग, या मैं दिन के दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लूंगा 5 लोगों को बताने वाली। ये आपको टाइम फिक्स करना होगा, कितने बजे मैं अपनी टीम की पर्सनल मीटिंग को गाइड करूंगा
ये आपको तय करना होगा। एक एक पॉइंट आपका लिखा हुआ होना चाहिए, आपका लक्ष्य भी लिखा होना चाहिए कि मेरा इस हफ्ते का गोल क्या है, क्योंकि बगैर बगैर पर्पस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप इस दफे डायरेक्टर 100 निकलेंगे या डायरेक्टर 250 निकलेंगे या डायरेक्टर 500 निकलेंगे या डायरेक्टर 1000 एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल, एलाइट, क्या बनने वाले हैं आप, आपको लिखना होगा। आपकी इनकम पोटेंशियल कितनी आनी है, ये आपके सामने आपके दीवार पे लिखा होना चाहिए, आपके सामने लिखा होना चाहिए। एक एक सेकंड को कैलकुलेट करके चलना है कि मुझे जीतना है और जीतने के अलावा मैंने कोई विकल्प छोड़ा नहीं है। इस अंदाज में आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी जाकर जीत सुनिश्चित है। इफेक्टिव स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मैनुअल फॉर टीम टू वर्क। मैंने पहले ही बता दिया कि सुबह 6:30 बजे और रात को 8 बजे आपके पास ब्रह्मास्त्र है, इसके अलावा कोई अलग ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना साधारण रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे सारी चीजों को, उतना आसान होगा आपको बिजनेस करना। यानी कि सिर्फ सुबह 6:30 बजे जैसे ही आपकी जो मीटिंग स्टार्ट होती है उससे 15 मिनट पहले अपने लोगों को कॉल करें कि भाई साहब आप उठ गए, नहीं उठे हो तो आप उठ जाओ, किसी भी तरीके से सामने वाले को आपको उठाना है और उठा के बोलना है भाई साहब से तू कनेक्ट हो जा। अगर तू सही ढंग से कपड़े नहीं पहन के बैठा है तो कम से कम अपनी वीडियो तू ऑफ कर ले, क्योंकि प्रोफेशनली आपको सामने बैठना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में बस अपनी चड्डी बनियान में भी सोए हुए हैं और बस देख रहे हैं। गलत ये व्यवहार जाता है, क्योंकि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आपकी ट्रेनिंग में आएगा गलत इंपैक्ट जाएगा आपका, क्योंकि अगर एजुकेटेड पर्सन आएंगे तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे भाई किस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है। तो आप अपने साथ साथ अपने लीडर्स की भी बेइज्जती करा रहे हो जो उस बड़े पैमाने पे अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं। तो खुद के लिए ना सही, अपने लीडर की इज्जत के लिए आपको यह देखना है कि अगर आपका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है तो आपको अपनी वीडियो ऑफ कर देनी है। ऑडियो तो ऑफ होती है, आपकी वीडियो भी ऑफ करके रखनी है। ये हमेशा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अपनी टीम के एक एक सदस्य को आपको बताना है। अगर आपकी नजर किसी भी ऐसे टीममेट पे पड़ती है जो आपको दिखता है कि अनुशासन के साथ नहीं है, इमीडिएटली उसको कॉल करके बोलिए भाई साहब आप अपना वीडियो ऑफ कर लो या फिर ट्रेनिंग छोड़ दो, क्योंकि ट्रेनिंग की अपनी एक गरिमा होती है। गुरतेज सर का सपना है कि हम वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कोई उस लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज ना करता हो। तो ये तभी मुमकिन है जब आप और हम सब अनुशासित रहें। यही स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग का कहना है, यानी कि बिल्कुल सिंपल रखना है। सुबह 6:30 की ट्रेनिंग हो गई, रात के 8 बजे की ट्रेनिंग हो गई, और बीच में जो आपने 5 मीटिंग करनी, बहुत है साहब, 4 घंटे डेली दे के तो देखिए 6 महीने में 50,000 हफ्ता ना आए तो कहना, 50,000 रुपए हफ्ते की इनकम आपकी 6 महीने के अंदर हो जाएगी। यह मेरा दावा है और मेरा वचन है आपसे। बस आप लग के दिखाइए और अपनी टीम के प्रति अकाउंटेबिलिटी दिखाइए, सक्रियता दिखाइए। सक करने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रेनेटस अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और गुरतेज सिंह जी और इतने सारे अचीवर किसी अब पहचान के मोहताज नहीं है कि इनको प्रमाणित करना पड़ेगा कि मेरी चेक कितनी की है और मेरी इनकम कितनी की है, कि इन्होंने प्रमाणित कर दिया है। तो आपको देखना है और एहसास करना है, सिंपल। ये बिजनेस नकलचियों का है, जितना सॉलिड नकल करेंगे उतना कामयाब होंगे। दुनिया के एक प्रसिद्ध नेटवर्क मार्केटिंग कोच का कहना है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वर्क्स, इट्स अबाउट व्हाट डुप्लीकेट्स। एरिक वोरे एमएलएम कोच कहते हैं, कितना सॉलिड काम करने की प्रतिभावान है आप फर्क नहीं पड़ता, कितना टैलेंटेड है फर्क नहीं पड़ता, कितनी शिद्दतों से ईश्वर ने आपको तैयार किया फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बताए गए निर्देशों का पालन कितना सॉलिड तरीके से डुप्लीकेट करते हैं और करवाते हैं आप, इस बात पर निर्भर करता है कितना बेहतरीन नकल करने की काबिलियत आपके अंदर है और कितना बेहतरीन नकल करवाने की काबिलियत आपके अंदर है। इस पे आपकी कामयाबी सुनिश्चित होती है। फिर मैं गुरतेज सर की बात याद दिलाऊंगा आपको, एकदम बिजनेस सिंपल रखना है। नहीं समझ में आता है तो बोलिए सर हम तो थोड़े कम पढ़े लिखे, मैंगोस्टीन की ये क्वालिटी होती है, थोड़ा ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। सॉर चेरी की ये क्वालिटी होती है, थोड़ा ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। ऐसे करके आपको बात करना, सर आप उससे ज्यादा टैलेंटेड है, थोड़ा ट्रेनिंग में अटेंड तो करके देखिए। ऐसे करके आपको बात कर लेनी है, सिंपल। हर इंसान के प्रति आपको सक्रिय रहना है, ईमानदार रहना है, अपनी नीतियों को सही रखना है और एहसास करते रहना है। कभी भी अपने ईमान को झुकने नहीं देना है, किसी भी परिस्थिति में खुद के वसूलों से समझौता नहीं करना है, खुद के वजूद को गिरने नहीं देना है। एक योद्धा के समान आपके कंधे खड़कने चाहिए और आपकी आंखें जब किसी इंसान की आंखों में मिले तो उसको एक आत्मविश्वास मिले, इस तरीके से आपको बात करना है किसी से भी। नेक्स्ट, किसी भी लीडर को जब भी आप कॉल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझने की जरूरत है,
जब किसी लीडर को आप कॉल करते हैं, अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, तो उनके वक्त का अहमियत आपको समझना है, उनके वक्त को इज्जत देना है। ऐसा नहीं कि साहब मैंने 40 बॉटल लगाया था, अभी कंपनी में मैं कॉल कर रहा हूं, सर ई वॉलेट में पैसा कैसे आएगा, आप इसके लिए कॉल करना स्टार्ट करो, पहले सीख लो बेहतर तरीके से। कस्टमर केयर का भी आपको नंबर दिया गया है। बार बार अपने लीडर के वक्त की अहमियत को आपको समझना है। बार बार लीडर को ये नहीं बोलना कि सर मेरा कुछ हो नहीं रहा, सर समझ नहीं आ रहा, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं, सर इस तरीके से ड्रामा नहीं करना सर। बड़े प्यार से सिंपलिसिटी, अपने लीडर की इज्जत आप करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपकी इज्जत करेगा। इस सिस्टम के तहत याद रखना है, अपने लीडर का अगर आप सम्मान करेंगे, एक एक लीडर अगर आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे, तो एक नए युग की शुरुआत होगी आपकी जिंदगी में भी। आपको यह ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है? Ask questions from the leaders you look up to. Respect their time and their expertise. याद रखिए, उनके वक्त के और उनके अनुभव का हमेशा कद्र कीजिए, चाहे वो डायरेक्टर 500 ही क्यों ना हो, अगर आपका वो अपलाइन है, क्यों ना वो डायरेक्टर 1000 हो, एग्जीक्यूटिव रैंक पर हो, आपको उनका सम्मान करना होगा। क्योंकि आप अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको देख रहा है कि अगर वो अपने अपलाइन की इज्जत नहीं करता है तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अगर आपको इज्जत कमानी है तो आपको भी इज्जत करनी होगी और अपने सीनियर का वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। लगातार सीखते रहना है, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, जैसे उज्जवल पाटनी की पावर थिंकिंग बुक आती है, हिंदी में है, वो आप पढ़ सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच भी आपकी हिंदी में आती है। कुछ भी कहीं से भी सीखने का मौका मिले, डेली एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट कुछ ना कुछ नया सीखना। क्योंकि अगर डेली भी 15 मिनट आप सीखते हैं तो पूरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए लिखा गया है कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे भी सीखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंगोस्टीन में किन किन विटामिन का यूज किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट तो है, तो विटामिन B12 कब आता है, पेंटाथोनिक एसिड कब काम करता है, स्कॉर्बिक एसिड कब काम करता है, स्कॉर्बिक एसिड से कैसे स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आप डीपली जाएंगे ना तो आपके प्रोडक्ट से बेटर पूरे विश्व में कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आएगा। आपको पढ़ते रहना, कुछ भी सीखना है लेकिन सीखते रहना है, ये आपको हैबिट डेवलप करनी होगी। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आप खुद नहीं करना चाहते, ध्यान से समझने की जरूरत है। कंफर्ट जोन में रह के कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। तो जो आप करते हो वही टीम को सिखाओ। कोई ऐसी बातें नहीं बतानी है कि जो आप खुद नहीं कर रहे, यानी कि 5 मीटिंग आप खुद नहीं करोगे लेकिन उम्मीद करोगे कि टीम वाले करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं कि कोई करेगा। आप अगर करोगे तो आपके अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, अवचेतन मन, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो आपको वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ मैं कर रहा हूं तो तू भी कर सकता है, और आपके आत्मविश्वास से मिलकर सामने वाले का आत्मविश्वास जग जाएगा और वो भी करना स्टार्ट कर देगा। तो याद रखना है, कभी भी ऐसा कुछ खुद नहीं करना है जो आप खुद नहीं कर पा रहे, बात समझ रहे हैं ना। रिकमेंड ऐसा कुछ सामने वाले को नहीं करना है जो आप खुद करने में असमर्थ है, और कुछ नहीं चाहते कि वो सेम ट्रेडिशन चलना स्टार्ट हो। क्योंकि आपने अगर काम चोरी की, यानी कि आपने काम नहीं किया और सो रह गए दिन भर, आपने ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, बस अटेंड करके आप जूम में, बहुत सारे लोगों की मैं हरकत देखता हूं, क्योंकि मैं एक ट्रेनिंग नहीं हजारों ट्रेनिंग को देखने के बाद मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं कि लोग एंट्री तो जरूर कर जाते हैं लेकिन वहां पे डीजे बना के बजा के डांस करते हुए नजर आते हैं, और लोगों को लगता है भाई साहब तो मेरे अटेंड कर रहे हैं। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अपनी टीम में आप डिस्कस करें ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, सर आज मुझे गुरतेज सर ने कितनी अच्छी बात बताई, गुरमीत जी ने कितनी अच्छी बात बताई, राज अरोड़ा जी ने कितनी अच्छी बात बताई, सुखपाल जी ने कितनी अच्छी बात बताई। ऐसे ऐसे करके आपको बात करनी होगी, आपको समझना होगा, डिस्कस करना होगा अपनी टीम से, तब लोगों को पता चलेगा कि नहीं मेरे अपलाइन डिस्कस भी करते हैं क्योंकि इन्होंने अटेंड किया था। तो वही कल्चर आपको डेवलप करना होगा, जो आपने किया है उसे ही बताना है और जो आप फील करते हैं उसे ही रिकमेंड करना है। सिंपल, बिल्कुल क्लियर रहना है, स्पष्ट रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। 10,000 का चेक है तो 1,00,000 का चेक नहीं बताना है, 20,00,000 रुपए का चेक है तो 1,00,00,000 नहीं बताना है। कभी भी आप रॉन्ग सेलिंग ना करें, मार्केट में करोड़ करोड़ रुपए प्रमोट ना करें आप, क्योंकि आपका लीडर का भी इज्जत है, सम्मान है, गरिमा है, जो सच्चाई है सिर्फ आप उसे रखें। हवा में कोई बात ना करें, जब तक तथ्य आपके हाथों में ना हो आपकी जुबान से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसी की भी गरिमा को ठेस पहुंचा दे। क्योंकि आज के डेट में क्या, अगर आपका लीडर 2,00,000 रुपए भी हफ्ते कमा रखे, 2,00,000 रुपए हफ्ता कम होता है, 8,00,000 रुपए महीना कम होता है, आप उस 8,00,000 रुपए महीने को क्यों बताते हैं 25,00,000 30,00,000 रुपए। गलत स्टेटमेंट कभी नहीं देना है,
अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो क्या 40,000 रुपए इस पेंडेमिक सिचुएशन में कम होता है? अच्छे अच्छे ग्रेजुएट, अच्छे अच्छे एमबीए करने वाले लोगों को 40,000 रुपए महीने की रकम नहीं मिल रही? क्या आपका अपलाइन 40,000 महीने का कमाता है तो क्या गुनाह करता है वो? आपको जरूरत नहीं है बढ़ा के बोलने की, जो सच्चाई है ना वो सच्चाई को आपको मेंटेन करना है। ये रेनेटस कंपनी के लीडर करते हैं, मेंटेन करते हैं। यहाँ पे अगर लोगों की इनकम 10 लाख रुपए होती है ना तो यहाँ पे लोग 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए भी बताते हैं, मैंने देखा है। आपके गुरतेज सर की मैं इनकम अभी पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जानता हूं और इसमें सुनने वाले बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी YouTube पे चल रही है, मैं नहीं जिक्र कर सकता, लेकिन मैंने खुद देखा है इनकी इनकम कितनी लाखों में, लेकिन इन्होंने कभी भी पब्लिक फोरम में नहीं बोला। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी, ये होती है क्वालिटी, ये होता है डाउन टू अर्थ फीलिंग वाली सिचुएशन। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना और सच बोलना है। आप बढ़ा के ना बोले, थोड़ा कम बोले चलेगा, लेकिन किसी को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का, मेहनत ही करना पड़ेगा, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें भी मेरी मेहनत लग रही है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे नहीं रहना है कि मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया, काम हो गया। रिलेशन भी बनानी है, पूछना है कि भाई साहब आपकी माता जी कैसी है, पापा जी कैसे हैं, भाई कैसे हैं, आप कैसे हैं, सही तो है ना। उसके बाद बिजनेस की बात करनी है। जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे आप, तब तक बिजनेस नहीं होगा साहब। व्यापार, व्यापार को समेटना पड़ेगा थोड़ा तरीके से, व्यापार में थोड़ा मोहब्बत को भी जगह देना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक मोहब्बत को, नकारात्मक मोहब्बत को नहीं। जीत आपके सुनिश्चित हो जाएगी, ध्यान देना है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये, लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैच्स योर इंडस्ट्री लीडर स्टेटस। उस अंदाज में जीना है, उस अंदाज में जीना प्रारंभ करना है जिस अंदाज में गुरतेज सर के साथ आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, कि सर ने कैसे मॉल खरीद लिया, किस प्रकार भटिंडा शहर में अपना वजूद बना दिया, अलग अलग इलाकों में अपना मकाम स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, किस लग्जरियस गाड़ी में ये जाते हैं, कितनी सिंपलिसिटी के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं। आपके ये आइडल है, आपके ये आइकॉन है। आपको देखना है कि मेरे दत्ता सर कितने डाउन टू अर्थ है। आपको देखना है कि हिंदुस्तान की पहली आईडी विकास श्रीवास्तव जी इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। आपको देखना है कि तपस विश्वास साहब कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं। कैसे इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा सल्तनत खड़ा कर दिया। आपको इस तरीके से हर लम्हे को जीना होगा और खुद के अंदर वो आत्मविश्वास को जगाना होगा। तो आज मेरी ट्रेनिंग यही समाप्त होती है। मैं फिर कहता हूं, मैंने आज अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आगाज कर दिया है कि आज जिसने पहली बार भी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है वो 6 महीने के अंदर 50,000 रुपए हफ्ते पे होगा रेनेटस में हमारी बताई गई रणनीतियों के बदौलत। तो क्या सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस आगाज को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? आगाज को अंजाम तक आप तभी पहुंचा पाएंगे जब आप उसी ऊर्जा शक्ति के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। तो आज की ट्रेनिंग में मेरी तरफ से बस इतना ही, और मैं अब गुरप्रीत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर चंद शब्द बयां करें अपनी जुबान से और इस ट्रेनिंग को यहीं पर समाप्त करें। मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को जय हिंद।